18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। प्रयागराज बिजली विभाग की लापरवाही से गरीब मजदूर की मौत। मांडा के तिसेन तुलापुर गांव के मजदूर हरिशंकर सन ऑफ राजाराम आज सुबह 9 बजे राजेश मिश्रा के घर में काम करने गया था। 11,000 बिजली का तार पर घर के ऊपर 2 फीट और एक तार दीवार में टच था। उसी तार के लपेटे में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। घर के मालिक का कहना है कि 4 बार बिजली विभाग को एप्लीकेशन तार को घर के ऊपर से हटाने के लिए दिया था, लेकिन वहां से अधिकारी तार को हटाने का आश्वासन देते रहे लेकिन हटाया नहीं, जिसके चलते आज एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। उसके 5 लड़के और लड़कियां थी। गांव वालों ने मिलकर मृतक का शव सुरवा चौराहे पर रखकर रोड जाम कर दिए। मौके पर एसडीएम मेजर दयाशंकर पाठक और क्षेत्र अधिकारी उमेश शर्मा, एसओ थाना मेजर मनोज कुमार पाठक, एसओ थाना मांडा भरत कुमार अपने पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित होकर परिवार वालों को मुआवजा देने का आश्वासन देकर जाम हटवाया। जब गन ऊंचा धरा, अब पता नहीं कैसे पकड़े, और 3-4 देर छुआ छुआ। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पापा किसके यहाँ काम करने गए थे? नाम नहीं जाने। क्या नाम है? राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा वहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, ये कितने बजे घटना है? अब 10 बजे हम मुकर है, काम है दूसरे जगह काम करने गए थे। कितने भाई हैं? 5 भाई। अच्छा, 5 भाई। अच्छा, एसडीएम साहब ने कुछ कहा, आश्वासन दिया? हरिशंकर हमारे पर कबाब लड़ते हैं। मिश्रा जी के यहाँ काम हो गया 2-4 दिन से कर रहे हैं, लेकिन 11,000 की लाइट जो है काबू के उनके छत में थोड़ा तो तेज बोला, चुप रहा है। हम लोग चौराहे पे ले जाकर के काबू के हंगामा मचा दिए। हंगामा के बाद पुलिस प्रशासन के तो ये बहुत वो लोग बोले कि थाने पे ले चबरी लाई गई थाने पे उसके बाद ही काबू के हम लोग। प्राइम 18 न्यूज से सिपाही लाल की रिपोर्ट।